मैम वो मेरे कॉलेज से एग्जाम एक सेकंड के तुम्हारी कॉलेज तो खत्म हो चुकी है ना मैम अभी 10 दिन पहले ही खत्म हुए अच्छी तरह फाइल दिखा ना तो फिर ये टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं हुए डीजे डीजे किधर है ओ हेलो कौन हो तुम लोग रुक अभी बताती हूं बंदूक दे मेरी नहीं नहीं सॉरी सॉरी ये रहा डीजे इधर छुपा साले चल तेरी अरे मैंने इसे किया क्या ये रात तू इसके साथ ही खाएगा और अगर पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो डीजे के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते को खिला दोगे ना गॉट इट समझदार है हेलो पांडे सुनो जल्दी से एक कप कॉफी लेकर आओ तुम लोग हिल चुके हो क्या अवंती मेरे को जॉब से निकाल देगी सॉरी भाई लेकिन अर्जेंट था क्या हुआ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हैं तेरे भाई ने शानदार विला बुक किया पहले सेक्सी जीरो ट्रिप चार दिन विला में ऐसे मजे मारे गए ओ भाई साहब मैं नहीं जा रहा कहीं चाल नहीं भी आ रही है सच में एक सेकंड नो डोंट टेल मी नाउ क्या हुआ यार तुम लड़के लोग किसी लड़की से सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते मैंने क्या बोला अभी आशिक शक्ल देख अपनी शालिनी का नाम सुनते कैसे ब्लश कर रहा था कुछ भी शालिनी का है सुबह सुबह निकलेंगे और प्लीज लास्ट मोमेंट को कैंसिल मत करना यार मेरी एक फ्रेंड भी आ सकती है क्या हाँ, मैं एक सेकंड में आई बेचारी कितनी खुश लग रही है उसे क्या पता है भूखा शिकार उसकी कुछ चीनने वाला है तुम दोनों अगर एक दूसरे के अलावा किसी और को देखते ना तो पता चलता कि हम दोनों में कितना असली कनेक्शन है एकदम रितिक कैटरीना वाला बोला है नवाजुद्दीन कटरीना वो कौन सी मूवी कपल है एग्जैक्टली सुनो मैं वहां जाके उसे अपनी फीलिंग बताने वाला हूँ फिर देखना कपल किसे बोलते हैं रितिक कैटरीना को या अनुपम खेर और किरण खेर को एक्सक्यूज मी ट्रिप पे मिलते हैं कोई नहीं जा रहा ट्रिप चिप दे जा जाके पानी के पास ना बात मम्मा सिर्फ 3 दिन की तो बात है 3 दिन का खर्चा तेरा प्योर भरेगा स्वर्ग से मम्मा मानव खर्चा करो ओनली तो मेरे से पैसे अच्छा ऐसा पहले क्यों नहीं बताया कोई तो मानव के ना घर वालों को बोलियो तेरे को अडॉप्ट कर ले मम्मी कोई मम्मी बोले खर्चा तो तेरा वैसे ही उठा रहे तेरे खर्चे भी धो देंगे यार मम्मा मम्मी से ऐसे ही ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है जाल मारी से कपड़े निकाल जो ट्रिप पे लेके जाने स्त्री के लिए भेजू जी मम्मा अरे फोन करने शाली को लेट हो रहा है अरे आ गई यार हाय गाइस ऑल सेट सॉरी गाइस मीट सागर गाइस हाय ब्रो और ये भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं अरे हमारे साथ चल रहा है मैंने पूछा था ना मेरे साथ किसी फ्रेंड को ला सकती हूँ तूने बोला था मेरी फ्रेंड आ सकती है क्या मेरी मतलब लड़की अरे गलती से मुंह से निकल गया होगा व्हाट्स द बिग डील कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके मैं नहीं आता अरे सॉर्टेड थैंक यू भाई नाइस मीटिंग यू यार डीजे सुन ना ये बहुत लो फील कर रहा था रिसेंटली इस दादी पास्ड अवे बाहर रहेगा तो हील फील बेटर ओह सॉरी ब्रो इट्स ओके क्लोज थे क्या नहीं वो मेरे से ज्यादा बात नहीं करते थे क्या इससे दादी की बस 102 मन पोलियो कोई नहीं मोर देन मैरियो बहुत मजा आएगा गाइस लेट्स गो खाता नहीं तो पान जाएंगे चले मेरे अनुपम खेर चल किरण खेर जमीन पे सो जाऊंगा अच्छा और बना फ्लेवर वाली क्या बकवास कर रहा था मैं बता रहा तुम्हारे लिए मैं ये लेके आया तू I don't know तुझे सागर से क्या प्रॉब्लम है बट इफ यू रियली वांट कि मैं इन 3 दिन खुश रहूं देन प्लीज बी नाइस टू हिम शालिनी कम से गाइस प्लीज स्टॉप और मैं एकदम सही बोल रहा है यार मैं अकेले नहीं सो पाती डर लगता है मुझे कोई बात नहीं बेब मेरे साथ रूम शेयर कर लेना ओ भाई क्या नहीं बिल्कुल नहीं तुम लड़कों में सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज होती भी है या हर वक्त दिमाग में वही चलता रहता है बेबी मैंने ना इतना बड़ा विला इसलिए नहीं बुक किया कि इधर आके अपनी बंदी को सेंसिटिविटी दिखाऊं वाओ सीरियसली नहीं मेरा मतलब था मानव अरे सुन यार सेंसिटिविटी दिखाने आया हूं मैं तुझे यहां पे पता क्या क्या कपड़े देखे थे रात के सभी इस कमीने सागर के वैसे ओ भाई तू रहन देते रहो ऋतिक कटरीना वाला प्लान पूरा नहीं हुआ ना तुझे इसीलिए चढ़ रहा है भाई मेरे को से इस चीज की चिढ़ है कि अपनी शालियों को ये कमीने इंसान फंसा रहा है फंस रही है समझा
तू टेंशन मत ले, कल मैं शालिनी के साथ सच बताऊंगा, फिर वो इस लिचेड इंसान को बाहर निकालेंगे, फिर हम चारों मिलके खेलेंगे ZNMD। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। शालिनी सुनने कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना। पर्सनल है, एक सेकंड चल सकती है? ब्रो क्या कर रहा है यार, खेलना नहीं आता क्या? तू चल रही है? पहले हमारे साथ एक गेम खेलनी होगी तभी चलूंगी। बॉल लेके आई। थैंक गॉड दैट द ब्रदर्स ऑन द राइज नाउ। एंडलेस सेलिब्रेशंस ऑल इन माय हाउस। वूहू! डीजे क्या हुआ? बचपन में गुड्डे गुड़िया से खेलता था क्या? इसे कहते हैं टीम वर्क। यस। You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight man. There's too many others and you're not that great man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. एक सेकंड सुनना ब्रो, अगर इस विलेज से वापस अपने दो पैरों पे जाना चाहता है ना, तो आप कोई पॉइंट मत जीतियो, ठीक है ना ब्रो? बेस्ट ऑफ लक। ओह माय गॉड, आर यू ओके बेब? शानी लगी क्या? जंगलियों की तरह खेलेगा तो लगेगी ना यार, तूने तो बोला था। सीरियसली क्यों लिया? कैजुअली खेल रहे थे, कोई टूर्नामेंट थोड़ी ना चल रहा था यार। तूने ज्यादा ना बोल। शाली बता ना यार कहाँ लगी? सो ओके, लेट इट बी, लेट इट बी, मतलब अब जा यहाँ से। ब्रो देख क्या रहा है, जा ना। पूरा दिन बर्बाद हो गया। शालिनी कैसी है? सुबह से सब उसके कमरे में घुसे हुए हैं भाई, बॉल नहीं लगी है। कौन सा उसका सर पे किसी ने सरिया मार दिया है? यार ऐसे तो मत बोल। ओ भाई पिछले दो दिन से ना 2 मिनट भी अंकिता के साथ स्पेंड नहीं कर पाया हूँ। वो वाले सपने तो भूल ही जाओ यार, सब गलत हो रहा है। हो गई, अपने आप को देख, जेलस लौंडो की तरह मुंह लटका के घूमता रहता है। वो तेरी ले रहा है और तू दे रहा है। भाई बी अ मैन, क्या कर रहा है यार? और मेरी गरीब बुद्धि रिया। और मेरे गरीबों के विराट कोहली। सर कैसा है? ठीक है। अबे थैंक यू, वो सर पे मार दिया, अब शायद थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए। दादा ना बकवास ना कर। Bro, it was not funny. अबे तू भाई, सॉरी यार, पता है मैं एडमिट करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ना तेरे बारे में बहुत बुरा सोच रहा था। अच्छा? हाँ, मुझे लगा कि तू बहुत बड़ा नीच कमीना लिच्चर टाइप का इंसान है। और फिर? नहीं और कुछ नहीं, बस इतने बोलना था। अरे स्टॉप इट यार, वैसे ही बेचारे का फोन घूम गया ऊपर से तू। अबे ये तेरा फोन है क्या? मुझे कल रात गिरा हुआ मिला, थोड़ा तो ध्यान रख लिया कर। थैंक गॉड मिल गया, वी वर सो वरेड। भाई कम से कम पासकोड तो थोड़ा ढंग का लगा लेता, सब साले जी पैटर्न रख लेते हैं। इसमें व्हाट्सएप क्यों खुला है? भाई मैंने सोचा मैसेज पढ़ने शायद पता चल जाए फोन किसका है। अरे तो भाई ये शोना कौन है नट्टी भाई? तूने शोना के मैसेज पढ़े? भाई मैं शोना है कैसे पढ़ सकता हूँ, वो तुझे रिप्लाई करती है नहीं, तू उसे मैसेज करता है गुड मॉर्निंग शोना, खाना खाया है शोना, गुड नाइट शोना। और जब मैंने शोना की डीपी देखी, मुझे डीपी तक नहीं दिखी, बताओ ब्लॉक क्या होगा? अगर ब्लॉक क्या होता तो ये उसे मैसेज ही करता कि शोना प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एक सेकंड, अगर उसने इसे ब्लॉक किया है तो ये उसे ये वाला मैसेज करता, शोना मैं तुम्हारे नाम का टैटू बनाने जा रहा हूँ। ब्रो लिसन, अबे रुक यार, मान लो अगर उसे से ब्लॉक किया तो ये उसे ये वाला मैसेज करता कि शोना मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे 365 डेज देखी और मुझे तुम्हारी याद आ गई। भाई अब ज्यादा हो रहा है। भाई हम सब तेरे दोस्त हैं यार, हमसे क्या छुपा रहा है? सच बता, शोना तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड नहीं भाई, एक्स गर्लफ्रेंड। और डीपी इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ मेरे से बात करने के लिए ली है। और शोना मैं उसे बहुत प्यार से बुलाता हूँ भाई, उसका असली नाम शालिनी खन्ना है। तुमने बताया नहीं अपने दोस्तों को? मैंने जो मैसेजेस डिलीट करने के लिए कहा था ना। क्या बोल रही है? Guys, I need some time. I live inside my own world. कितना माँ बहने को चुकी है बहनते थे पैसे खर्च करने के बाद। चाहे तू ये पैसा पैसा करता रहता है। वो पैसा कमाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है मेरे बाप की। Just shut up. DJ, तू ठीक है? हाँ। ओए देवदास, मेरी बात सुन। ये तो दिन ना तू उससे बात नहीं करेगा। ये तो दिन मैं तुम दोनों के साथ फुल एंजॉय करना चाहता हूँ। ZNMD, तू ऋतिक, मैं प्रण अख्तर और अभय देवल, कटरीना को ढूंढेंगे बाद में, ठीक है? एक क्वेश्चन, ये फरहान अख्तर रोज अभय के साथ रात गुजारने के सपने को देखता है? Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.
fire spreading all around me. What's so bad? It's hard to breathe, but that's alright. Usi ne yaro mera dil toda, toda. Hush. DJ, तुझसे कुछ बात करनी है. बोला ना तुझसे कुछ बात करनी है. ठीक है, फोन करता. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुझे सागर के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो और मैं कभी एक साथ होने ही नहीं वाले. मैं उसको साथ इसलिए लेकर आई बिकॉज आई डिडंट वांट कि मेरी वजह से कोई और हर्ट हो. वो मुझे लेकर बहुत इमोशनल है यार. तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? बिकॉज तू मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है, उससे कहीं ज्यादा. और मैं तेरे को ऐसे अजीब बिहेव करते हुए अपने से दूर नहीं देख सकती. तो प्लीज, क्या हम पहले जैसे थे वैसे रह सकते हैं क्या, मेरे स्पेशल गरीबों के विराट कोहली? और प्लीज यार, सागर को कुछ मत बोला कर. मुझे तो डर लगता है मेरी वजह से हाथ पाथ काट लिया ना तो फर्स्ट मैच आऊंगी. चल ठीक है, मेरी गरीबों की नहीं. रिया डीजे बिल्कुल मत बोलियो. भाई जैसे हम शालिनी के बारे में सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है. मैंने तुझे मना किया था ना. तुझे पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? मैंने उसे अभी तक अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताई. ये सुन, मैं आज शाम को उसे आस्कॉट मारने वाला हूँ. तू नहीं सुनेगा? भाई फाइनली कैटरीना मिल गई, पगले रुक में तैयार हो गया. कहाँ देख के हूँ, प्लीज उसे लेके आना जल्दी. ठीक है ब्रो, हम सनसेट देखने जा रहे हैं. पता है भाई, बस 2 मिनट में. अरे 2 मिनट क्यों ब्रो, 2 घंटे ले ले. मतलब यार, हम सब चलते हैं. क्यों? अरे उसका पेट खराब है. ओ भाई यार, चलो 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 यार, चलो. अरे यार फोन पे लगे चलो यार. कमरा भी लॉक किया हुआ है. ओए सागर, डीजे क्या कर रहा है? पूछी से क्या क्या भी. ओ भाई, दोस्तों के साथ मजाक नहीं कर सकता क्या? अबे तू जैसे चूती को मेरा कोई दोस्त ना बना, समझा? डीजे मैंने तुझे क्या बोला था? पैसे लगे मेरे ऊपर से भाई साहब, इलाका सामान तोड़ रहे हैं जैसे इसका बाप आएगा भरने. भाई सॉरी तोड़ दे, लेकिन तू इतनी बकवास क्यों कर रहा है? जो मैं बकवास कर रहा हूँ? अबे तेरी औकात है इधर रहने की, जो आगे सामान बोल रहा है. क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया क्या? नहीं नहीं, इसे मेरी बातें बकवास लग रही है ना, तो इसको बोल अगर इधर रहना तो अपने से पैसे निकाले. नहीं मुझे नहीं सुनना कुछ. बैठो, बड़ा आशिक बनता है ना, इसको बोले तो पैसे दे तो निकले यहाँ से. हाँ जब अपनी जेब की बात आई तो भाई साहब निकल गए. साले को बोला था शाली से बात नहीं करने को, ऊपर से मुझे बोल रहा बकवास. बैठ के जब से मैं पालता आ रहा हूँ, खिलाया पिलाया सब कुछ कराया, और देख कैसे कर रहा सबके सामने. अरे क्या औकात है इसकी, इसकी वजह से 100 चूतिए घूमते मेरे आगे पीछे. अबे जाना, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में. अबे जा साले, रिग्रेट करेगा. यार 10 लोगों के बीच में मेरा तमाशा बना के गया है. क्या बेटा, जब से अपनी ट्रिप से आया बाहर नहीं गया? लड़ाई होगी दोस्तों से? नहीं नहीं मामा, वो बस ऐसे ही. इधर आ, इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ मेरा बच्चा. कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, देखना सब ठीक हो जाएगा, है ना? पुत्र एक बात बोल बेटा, तेरे दोस्तों को ना इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत अमीर परिवार के हैं, लेकिन तेरे सर पे तेरा बाप नहीं है. तेरे को खुद अपने पैरों पे खड़े होना है, दुनिया के आगे इज्जत खुद बनानी है. जो खुशियां तेरा बाप नहीं दे पाया वो तुझे देनी है बेटा. दुनिया ना तुझे बहुत गिराने की कोशिश करेगी, तू गिरेगा, बहुत कुछ खोएगा, पर तुझे रुकना नहीं बेटा, क्योंकि इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर योर गोल्स विल बी सैक्रिफाइस्ड, है ना? वड्डी वड्डी गड्डियों में घुमाएगा, ब्लैक मर्सिडीज चाहिए मैनू, काली वाली दिलाएगा ना मेरा पुत्र मुझे. आजा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा. बोलना भाई. सॉरी भाई, मुझे ना वो उस दिन का बहुत बुरा लग रहा था. दरअसल बात ये थी. भाई तू क्यों सॉरी बोल रहा है? उल्टा मुझे तेरे को थैंक यू बोलना चाहिए कि उस दिन तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी. भाई क्या बात कर रहा है यार, वो सब छोड़ना, चला जा मेरी गाड़ी में, चलते हैं दोनों भाई गेड़िया मारेंगे. अब हम तब गेड़िया मारेंगे जिस दिन गाड़ी तेरी नहीं मेरी होगी. चल मैं चलता हूँ, मेरे थोड़ा ऑफिस में काम है.
I'm alone, I'm alright. पता है जब जिंदगी में आप बहुत बुरा गिरते हो ना, समझ जाया करो अब इसके आगे सब अच्छा ही होगा। अगर उस दिन मानव ने मुझे नहीं निकाला होता तो शायद मैं अभी भी इनके साथ ऐसे ही घूम रहा होता। ना मैं कभी अपनी जॉब को सीरियसली लेता, ना कभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाता, ना ही अपनी प्यारी सी मम्मी को एक अच्छी जिंदगी दे पाता। और शायद ना ही कभी खुद की भी इज्जत कर पाता। लेकिन असल बात यह है ना, मैंने वो सब किया। वीडियो तो डीजे ने अपना करियर चुना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दोस्ती और रिश्ते या पैसा और करियर। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हम सच में जानना चाहते हैं कि आप क्या चुनेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को इतना लाइक करें, इतना शेयर करें कि यूट्यूब का एल्गोरिथम मिल जाए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो एफ एंड ग्रे।